हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। दोस्तों, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको संभल कर चलना है, कहीं आपकी छोटी सी गलती आपको सीट से वंचित न करवा दें। एमसीसी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका था, वो विड्रॉल भी हो गया है और जल्द ही दोबारा भी आ जाएगा। वैसे इसमें खास कोई चेंजिंग नहीं होगी, कट ऑफ हाई गया है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिनको जहां सीट मिल गई है वो सीट ऑक्यूपाई कर लें। अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड का ऑप्शन दें, लेकिन सीट न छोड़ें, कहीं अच्छे या फिर स्टेट के चक्कर में सीट न गवा बैठें। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट के मोबाइल पर मैसेज आ रहे होंगे कि हम आपको एडमिशन दिला देंगे। ये देखो, मेरे पास भी इस प्रकार के काफ़ी मैसेजेज आए हैं। डियर के ये एस्पिरेंट्स गेट कन्फर्म एडमिशन इन MBBS एंड BDS इन टॉप कॉलेजेज इन इंडिया, हरी चांस टू गेट। तो इस प्रकार से ये काफ़ी मैसेज आते हैं। ये डायरेक्ट एडमिशन इन MBBS BDS कॉलेज एट वेरी लो पैकेज इन साउथ दिल्ली NCR UP UK एब्रोड कॉलेजेस गाइडेंस थ्रू मैनेजमेंट कोटा, इस प्रकार के काफ़ी मैसेज आते हैं। वो आपको ये भी कॉल करके ये भी बताएंगे कि हम आपको बिना काउंसलिंग के ही सीट दिला देंगे। तो आप इनके चक्कर में बिल्कुल ना आए, अन्यथा आप समय व पैसा बर्बाद कर बैठेंगे, टेंशन होगी वो अलग से। काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा ही सीट अलॉट होती है। कोई भी आदमी आपको बिना मेरिट के सीट नहीं दिला सकता है। जो आदमी सीट दिलाने का आपको वादा कर रहा है वो आपके भविष्य के साथ में धोखा कर रहा है। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई जाली तरीके से सीट ली है वो उसको एडमिशन उसका कभी भी कैंसिल हो सकता है। 2018 के मेरे पास इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हैं जिनमें काफ़ी स्टूडेंट के एडमिशन कैंसिल हुए हैं, जिनकी जालसाजी करके सीटें ली थी जिन्होंने, उनके एडमिशन कैंसिल हुए हैं। एक बार तो 13 स्टूडेंट की काउंसलिंग दोबारा भी हुई थी। अभी ये देखने में आया है कि केरला और कर्नाटका के लिए भी काफ़ी दलाल सीट ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट के 500 से अबोव मार्क्स हैं उनको पैसे देकर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जिनके कम मार्क्स हैं उनको झांसा देकर पैसे ऐंठ रहे हैं कि आपको इस ब्लॉक सीट पर हम आपको एडमिशन दिला देंगे। दोस्तों, ये दलाल दोनों प्रकार के स्टूडेंट के साथ में धोखा कर रहे हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपके साथ भी धोखा हो रहा है, आपको कोई सीट नहीं दिला सकता है। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो आपका फ्यूचर यहीं स्टॉप हो जाता है। और ये गारंटी है कि आप पकड़े जरूर जा सकते हैं, क्योंकि एडमिशन होने के बाद भी आपके एडमिशन की जानकारी RTI द्वारा या अन्य किसी सोर्स से कोई भी ले सकता है कि आपने एडमिशन कैसे लिया, आपके कितने मार्क्स थे, आपका कैसे एडमिशन हुआ है। इस प्रकरण में फंसने के बाद सिवाय जेल के और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप दलाल वगैरह के चक्कर में न फंसें। अगर आप फंस चुके हैं तो उसे आज ही छुटकारा पा लें, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं इस 6 साल के करियर में 5 साल पहले भी ऐसे केसेस देखने को आए हैं कि 5 साल पहले जिसने सीट लिया है वो भी बाद में कैंसिल हो जाता है। मैंने समय समय पर दलालों के वीडियो भी चैनल पर डाले हैं, यह भी क्लियर कर दिया है कि बिना मेरिट के एडमिशन नहीं हो सकता। तो आप इनके चक्कर में बिल्कुल न पड़े, दलालों के चक्कर में। अगर आप अभी भी इनके चक्कर में पड़े हुए हैं तो अभी इनका चक्कर छोड़ दें, क्योंकि आपका जो एडमिशन होना है वो काउंसलिंग अथॉरिटी काउंसलिंग कमेटी द्वारा ही होना है। बहुत सारे ऐसे काउंसलर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट के साथ में हेल्प कर रहे हैं, हालांकि उनकी फीसें होती हैं, लेकिन वो फीस लेके इतना अच्छा काम करते हैं कि आपको सीट दिला देते हैं। हालांकि सीट काउंसलिंग के थ्रू ही दिलाते हैं वो भी, लेकिन एक इतना अच्छा गाइडेंस देते हैं, उनका अनुभव और नॉलेज इतना है कि वो आपको हर समय गाइड करते रहेंगे। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी ये गौरव त्यागी सर के बारे में बताया था, दिल्ली के काउंसलर हैं, अच्छे काउंसलर हैं। मैं इनके प्रॉपर वीडियो मैंने देखे हैं और इनके जो बातों में सच्चाई है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक, इनको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी हर बात बिल्कुल सच तरीके से बताते हैं। मैं यहाँ इनके ये नंबर भी ये यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, 9690796426 और 9675200801। तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं
और मैं कहना चाहूँगा कि आप इनकी सर्विस लें तो आपको अच्छी सीट मिल सकती है। तो इसके बारे में मैं इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, अच्छे काउंसलर हैं, आप इनका सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं, आप इन पे आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर उन्हीं लोगों के जो बातें हैं उन्हीं लोगों की बातें बताता हूँ जो अच्छे हैं, जिनका कोई जिनको कोई किसी प्रकार का इस प्रकार का लोगों को धोखा देने का और ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्हीं लोगों के मैं यहाँ पर नाम बताता हूँ आपको। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी दलालों के बारे में, अच्छे काउंसलर के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।